हमें 34-35 दिन हो गए आज धरने को, और हमें फिर तारीख पे तारीख मिल रही है। कल हमारी सुनवाई थी, उसमें बहस भी बहुत अच्छी तरीके से हुई, लेकिन हमारे हमारे तो केस को ही मतलब और दिशा में लेके जा रहे हैं। अब ना कोई अच्छे से पैरवी कर रहा है। कल डबल बेंच में था, उसमें भी अपील खारिज कर दी गई, और अब फिर से 7 मार्च दे दी। ऐसे तो ये तारीख तारीख पर तारीख देते जाएंगे। बहुत सारी परेशानियाँ, हमारा बाहर का खर्चा भी हो रहा है, रहते हैं तो बाहर का खर्चा तो होता ही है। 34-35 दिन हो गए, मेरे पापा आए हैं, और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि अब 7 तारीख से आगे की तारीख ना दे, 7 तारीख को एजी मतलब अच्छे से पैरवी करे, और इस यथास्थिति वाले मैटर से बाहर किया जाए हमें, ताकि हम अपने स्कूलों में पहुँच जाए। फिर से आचार संहिता लगने वाली है, हम नहीं चाहते कि हम फिर से आचार संहिता में फंस जाए। बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे भेदभाव कर रही है सरकार। 15,000 को दे दी, 4,000 हमारा कोई कसूर थोड़ी है इसमें, हम क्या कर सकते हैं। अब 15,000 को दे दी, वो 3-4 महीने से सैलरी उठा रहे हैं, 5 महीने हो गए उनको, और हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। कागजों में हमें टीचर बना रखा है, और वैसे हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो हमारे साथ सरकार भेदभाव कर रही है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी एजी से पैरवी करवा कर, और मजबूत पैरवी करवा कर, हमारी इस यथास्थिति से बाहर किया जाए, ताकि हम अपने स्कूलों में पहुंच जाए। 1 महीने से ऊपर ही हो गया, 35 दिन के करीबन हो ही गए। लगातार हम यहाँ, मैं तो बेटी के साथ आया हुआ हूँ, बेटी का 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। राज्य सरकार ने 21,000 की भर्ती निकाली थी 3rd ग्रेड टीचर की 2022 की, और उनमें से लगभग 19,500 के करीबन जिला और स्कूल आवंटन हो गए। उसमें से 15,000 को ज्वाइनिंग मिल गई, बाकी 4,500 के करीबन बच्चे हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, तो सरकार को चाहिए कि इन बच्चों को, इन्होंने बोर्ड द्वारा निर्धारित जो मेरिट थी, जो कट ऑफ थी, उसको पास करके फिर इनको जिला और स्कूल आवंटन हुए हैं। तो जो यथास्थिति सरकार ने रखी है, जो किसी ने कोई रिट लगाई है, उसके साथ इन बच्चों को नाजायज तरीके से जोड़ा गया है, वो बहुत ही मैं तो गलत मानता हूँ। क्योंकि इनके साथ जिन बच्चों को ज्वाइनिंग हुई थी, इन्होंने 5-5 महीनों की सैलरी उठा ली, और ये आज सभी गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, और इन्होंने बड़ी कठिन मेहनत से जो रीट की, जो आज राजस्थान की जो रीट का एग्जाम है, वो एक IAS परीक्षा से कम नहीं है, और उसको इतने अच्छे तरीके से इन्होंने मेहनत करके पास की है, और इन बच्चों का आज भविष्य गर्त में दिखाई दे रहा है। मेरी राज्य सरकार से, राज्य सरकार के जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, चाहे राज्य सरकार के AG है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि इन बच्चों का यथास्थिति से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बोर्ड द्वारा निर्धारित मेरिट है उसको क्लियर किया है, तब इनको स्कूल और जिला आवंटन हुए हैं, और इनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए और यथास्थिति से इनको निकाला जाए। 2018 में भी एक ऐसा मामला हुआ था, तो कोर्ट ने यथास्थिति के अधीन नियुक्ति के आदेश किए थे, और जिन्होंने याचिका लगाई थी उनका मुकदमा चलता रहा और उन बच्चों को ज्वाइनिंग दी थी। तो मेरा न्यायिक प्रणाली से भी ये अनुरोध है कि आप अगर यथास्थिति नहीं हटा सकते किसी कारणवश से, तो यथास्थिति के अधीन इन बच्चों को जो स्कूल अलॉट हुए हैं, इनको ज्वाइनिंग दी जाए, यही मेरा कहना है। देखो, कल 29 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी, समीर जी जैन ने सुनवाई की, और उनकी मैं हार्दिक प्रशंसा भी करता हूं, उन्होंने लगभग 2 घंटे तक अच्छी सुनवाई की। परंतु सामने का जो याचिकाकर्ताओं का जो वकील था, उसने भी जज साहब का माइंड घुमा दिया। 3-3 साल की जो रिकॉर्ड मांगा है और है, वो बहुत गलत है। इन बच्चों ने जो एग्जाम क्लियर किया है, इन बच्चों को यथास्थिति के अधीन ही नियुक्ति दें।